हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 7 में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 17 पे, एंड दैट इज फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। इसके एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं, टोटल 10 एमसीक्यूज थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, पहली वाइल मूविंग इन अ फॉरेस्ट ऑब्जर्व दैट देयर वॉज नो नॉइज पोल्यूशन दो लॉट्स ऑफ हैवी व्हीकल्स वर पासिंग फ्रॉम द नियर बाय हाईवे, एक्सप्लेन वाई। आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं जो फॉरेस्ट में, दे एब्जॉर्ब साउंड ऑफ द नियर बाय एरियाज, और उसके वजह से नॉइज पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस होता है। इसीलिए हम जो है जहाँ भी रोड्स होते हैं, रोड्स के साइड साइड में हम लोग पेड़ लगाते हैं, क्योंकि वो इवन एयर पोल्यूशन को भी और नॉइज पोल्यूशन यानी हर टाइप के पोल्यूशन को वो एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12, state whether the following statement are true or false, and if false give the correct statement. Forest influence climate, water cycle and air quality. Yes, true statement. Next, in a forest trees form the uppermost layer, that is true, and followed by herbs. Herbs से followed नहीं होते, वो shrubs से followed होते हैं, and उसके बाद herbs जो होते हैं, उसके बाद जो हर्ब्स होते हैं, HERBS, हर्ब्स जो होते हैं वो लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन होते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होंगे, सबसे पहले होंगे ट्रीज, ट्रीज से छोटे होते हैं श्रब्स, और श्रब्स से छोटे होते हैं हर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी में नेक्स्ट है, सी द फॉरेस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट, ट्रू स्टेटमेंट। अगर हमने उसे मतलब पेड़ों को परेशान नहीं किया है, किसी तरीके से हमने काटा पिटा नहीं, डिफॉरेस्टेशन में उसको कन्वर्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली जो फॉरेस्ट हैं वो ग्रो अपने आप कर सकते हैं, अपने आप चेंज कर सकते हैं और अपने आप रीजनरेट भी कर जाते हैं। डी फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉयल फ्रॉम इरोजन, येस वो सॉयल को होल्ड करके रखते हैं और इरोड होने से बचाते हैं, फ्लड को भी लाने से बचाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, पहली रूट ऑफ फूड चेन इन अ फॉलोइंग वे, इस फॉर्म में उसने फूड चेन लिखा है, फ्रॉग ईट ईगल एंड देन इंसेक्ट्स ग्रास एंड स्नेक, दिस चेन इज नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, हेल्प हर टू राइट द फूड चेन करेक्टली। तो सबसे पहले आएगा ग्रास, जिसको खाता है कौन, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कौन खाता है, इंसेक्ट्स को खाते हैं फ्रॉग्स, फ्रॉग्स को खाते हैं स्नेक, एंड स्नेक को खाते हैं ईगल। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फूड चेन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, गिव नेम्स ऑफ एनी फोर बर्ड्स विच यू एक्सपेक्ट टू सी इन अ फॉरेस्ट। बहुत सारे हैं, जैसे आप हॉर्नबिल लिख सकते हो, हॉर्नबिल, इवन स्पैरोज भी मिल जाएंगे आपको, या फिर मैना मिल जाएंगे, या क्रो मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं एटसेट्रा। यहाँ पे फोर एग्जाम्पल्स देने थे आपको। क्वेश्चन नंबर 15, टू फ्रेंड्स शेयर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ देयर वेकेशन ट्रिप टू टू डिफरेंट फॉरेस्ट, डू यू थिंक दे वुड हैव सीन द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यूरिंग देयर रिस्पेक्टिव ट्रिप्स, गिव रीजन। डेफिनेटली नो, क्योंकि वो डिफरेंट फॉरेस्ट में गए हैं तो डेफिनेटली वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा दोनों फॉरेस्ट का वो भी डिफरेंट होगा, और क्लाइमेटिक कंडीशन अगर डिफरेंट है तो वहाँ उन दोनों फॉरेस्ट में ट्रीज भी डिफरेंट होंगे, एनिमल्स भी डिफरेंट होंगे, दोनों ही चीज़ डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ प्लांट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलेंगे टू डिफरेंट फॉरेस्ट में, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, अ बंच ऑफ सीडलिंग वर सीन स्प्राउटिंग ऑन अ हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग इन अ फॉरेस्ट, हाउ डू यू थिंक इज द सीडलिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द एनिमल डंग। यहाँ पे क्या हुआ है, जो सीड्स हैं वो स्प्राउट या जर्मिनेट करते हैं मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो यानी कि जब वो जब यहाँ पे उसको हीप ऑफ यानी कि हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग उसके ऊपर हुआ, तो यानी कि उसको बहुत ही अच्छे से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिल गया। क्या मिल गया, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिला, और उस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर में उसको फेवरेबल कंडीशन मिला और वो आराम से ग्रो कर गया। तो ये जो ग्रोथ ऑफ सीडलिंग है, इट इज सपोर्टेड बाय द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय द एनिमल डंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, यहाँ पे डिकम्पोजर्स है, तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट कैनोपी, कैनोपी जो है वो ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज होते हैं, उनको हम कैनोपी कहते हैं। पॉर्क्यूपाइन एक एनिमल है, एक वाइल्ड एनिमल है पॉर्क्यूपाइन। ह्यूमस, ह्यूमस किससे बनता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज से, और फॉरेस्ट जो है इट इज अ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, डिफॉरेस्टेशन में लीड्स टू फ्लड, वाई,
डिफॉरेस्टेशन फ्लड क्यों लेके आता है, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट में जो रेन ड्रॉप्स होता है दे डू नॉट हिट द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली, तो जो कैनोपी लेयर होता है फॉरेस्ट का वो इस रेन वाटर को इंटरसेप्ट कर जाता है और डायरेक्ट पहले रेन वाटर पहले लीफ पे पहुंचता है और लीफ के पास धीरे धीरे जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप वो जमीन पे पहुंचता है वो पानी। तो इसकी वजह से जो है वहां पे कहीं भी फॉरेस्ट में कहीं भी वाटर कलेक्ट नहीं होता, स्टैगनेट नहीं होता, और इसके वजह से वो फ्लडिंग को भी प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लैंड। तो अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो वो जो रेन ड्रॉप है जो पहले ट्री पे टकरा के यानी कि लीव्स पे टकरा के फिर धीरे धीरे नीचे आ रही थी, अब वो डायरेक्ट सॉइल को हिट करेगी और सॉइल इरोजन भी होगा और फ्लड भी आएगा आसानी से। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन मे लीड टू फ्लड्स। यस, नेम एनी फोर यूजफुल प्रोडक्ट्स अदर देन वुड विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे रेजन्स हैं या फिर जैसे गम्स हैं, लेटेक्स है, ऑयल है, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे स्पाइसेस, आपको पता है बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं वो भी हमको ट्रीज से ही मिलते हैं। सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।